दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिसे आपको भी अपने फ्री फायर में करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका फ्री फायर आईडी कोई हैक ना कर पाए। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है आप भी इस सेटिंग को अपने फ्री फायर में न किए हों जिससे आपकी भी आईडी कभी भी हैक हो सकती है। इससे अच्छा है कि इस वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं उस इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है जिससे आप अपने फ्री फायर में लॉगिन किए हैं। यदि आप अपने गूगल अकाउंट से अपने फ्री फायर को लॉगिन किए हैं तो उसके लिए भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि अपने गूगल अकाउंट में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं फेसबुक के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप अपने फ्री फायर अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर थ्री लाइन, इस पर आपको क्लिक करके फेसबुक सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके नीचे आपको दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करके, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर यदि आपने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस को ऐड नहीं किया है तो सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को ऐड कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है ईमेल एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड ईमेल एंड ऐड फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको अपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर को ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर ऐड ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड हो जाएगा। इसके नीचे आपको यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर दिया है, इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन नंबर को ऐड कर लेना है। दोस्तों, ये दोनों चीज़ करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है। इसके आगे आपको पासवर्ड आएगा, पासवर्ड डालकर यहाँ पर सेव कर देना है तो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको बैक चले जाना है और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है उसके लिए आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है हैकर से बचाने के लिए। आपका फ्री फायर आईडी कभी भी हैक नहीं होगा अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देते हैं तो। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से अपने फेसबुक अकाउंट में अपना फ़ोन नंबर ऐड किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर दिख रहा है टेस्ट मैसेज यानी कि SMS, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरे फेसबुक अकाउंट में हमारा नंबर ऐड है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जो भी नंबर आप ऐड किए होंगे उसके आगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर OTP आने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर अपना OTP डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना OTP एंटर कर दिया है और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह करके आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लेना है जिससे आपका फ्री फायर अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक करके डन कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे मोबाइल में यहाँ पर फेसबुक अकाउंट में इनेबल हो चुका है। अब आपको यहाँ से बैक कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह करने से आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर रह जाएगा जिससे आपका कोई भी फ्री फायर अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर यदि आप अपने गूगल अकाउंट से अपने फ्री फायर को लॉगिन किए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा, उसी ईमेल आईडी से ओपन करना होगा जिस ईमेल आईडी से आपने अपने फ्री फायर अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी के आइकन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर अपने ईमेल आईडी के आइकन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट को मैनेज करना होगा। तो इस यहाँ पर कुछ इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ पर स्लाइड करना है तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सिक्योरिटी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे करना है और आप यहाँ पर देखेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिसेबल है तो हमें क्या करना है, इसको इनेबल कर लेना है। दोस्तों, यदि आपने अपने गूगल अकाउंट में फ़ोन नंबर नहीं ऐड किया है तो सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट में फ़ोन नंबर ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने पहले से अपने यहाँ पर अकाउंट में फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ हूँ तो मैं यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र में ओपन करने को बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र में भी इस अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर पहले से अपने ब्राउज़र में इस अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये सीधे आपके क्रोम ब्राउज़र पर ओपन होगा और आपको यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको फिर से अपने ईमेल आईडी का यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड अपना एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपको क्या करना है यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से अपने मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ हूँ और आपको यहाँ पर फ़ोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपने OTP को डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में OTP आ चुका है। तो यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर टर्न ऑन पे इसको क्लिक करके इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 2-step वेरिफिकेशन इनेबल हो गया है। अब आपको यहाँ से इसको कट कर देना है और आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट को रिफ्रेश कर देना है। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर 2-step वेरिफिकेशन इनेबल आपको दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2-step वेरिफिकेशन, यहाँ पर चेक मार्क दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पर ये इनेबल हो गया है। अब आपका यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी आपका यहाँ पर गूगल अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, किसी को भी OTP शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिसकी वजह से आप अपने फ्री फायर आईडी को हैक होने से बचा सकते हैं, ताकि आपका फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके और उनका भी फ्री फायर आईडी हैक होने से बच सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।